हेलो फ्रेंड, मैं आकाश है। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने गार्डन चैनल पंकी गिवर में। आज मैं जिस प्लांट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टर्टल वाइन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वाइन प्लांट है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके अलावा ये ग्राउंड कवरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको अपने ग्राउंड को कवर करना हो तो ये इसके लिए बेस्ट प्लांट है। ये थोड़े ही समय में आपके ग्राउंड को पूरा कवर कर लेता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे बॉटल में ग्रो किया, उसमें ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे मैंने दिसंबर में ग्रो किया था, तब इसका डॉर्मेंसी पीरियड था, इसलिए ये ज़्यादा तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली। इसके अलावा इस पर अंडर वाटिंग और ओवर वाटिंग का ख़तरा काफ़ी कम रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी दिन इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो भी इस प्लांट पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, और अगर आप 2-3 दिन तक इस पर पानी डालना भूल जाते हैं तो भी इस प्लांट पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। इसलिए यह बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है। बात करें सनलाइट की तो ये एक शेड लविंग प्लांट है और इसे शेड में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके गार्डन में धूप कम आती है तो आपके लिए ये बेस्ट प्लांट है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सन में रखते हैं तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां भूरी होने लगती हैं और एक टाइम के बाद प्लांट मर जाता है। ये 2-3 घंटे की धूप आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। बात करें प्राइस की तो ये लगभग 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। हम बात करें मेरी कि मैं इसे कितने रुपए में लेकर आया था, तो मैं इसे 10 रुपए में लेकर आया था। इसका शॉपिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था, अगर आपको देखना हो तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आया था तब भी इसकी कंडीशन ऐसे ही थी, इसमें फ्लावर्स भी आए हुए थे। मैं इसे नवम्बर में लेकर आया था, तब इसका डॉर्मेंसी पीरियड था, इसलिए इसमें कुछ ख़ास ग्रोथ तो नहीं हुई है, फिर भी ये अच्छा प्लांट है। इसे कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया है। इसकी लगभग 2 से 3 इंच की भी कटिंग लग जाती है। आपको अगर ये प्लांट कहीं पर भी मिले, आप कटिंग ले आइए, आसानी से ग्रो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया जा सकता है। इस तरह से आप इसकी कटिंग ले लीजिए। ये सूखा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए ये अब इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की है। देखिए इसकी मिट्टी भी नहीं दिख रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और पूरे पॉट को कवर कर लेता है। इस तरह से आपको जितनी कटिंग लेनी हो ले लीजिए, क्योंकि अब ये अपनी ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट करेगा तो ये बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ कटिंग ले लिया है और कुछ में रूट्स आई हुई हैं और कुछ में रूट्स नहीं आई हुई हैं। तो वैसे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, जिसमें रूट्स नहीं आए होंगे वो भी तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। इसे इस कटिंग को अगर आप मिट्टी में ऐसे रख देते हैं तो भी ये कुछ समय बाद अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कटिंग है, इसमें रूट्स आई हुई हैं। इसमें भी रूट्स आई हुई हैं। इसे कुछ नहीं करना है, मिट्टी में ऐसे दबा देना हल्का सा, और अगर आप इसे रख देंगे तो भी ये ग्रो कर जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें रूट्स नहीं आई हुई है, फिर भी ये तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। इसे आप मिट्टी में बस इस तरह से रख दीजिए।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे मिट्टी में केवल रख रहा हूँ या फिर हल्का सा दबा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दबा देंगे और पानी ज़्यादा हो जाएगा, ओवर वाटरिंग हो जाएगा, तो ये तेज़ी से गल भी जाएगा। इसलिए आप हो सके तो इसे मिट्टी में रख दीजिए, ये ग्रो हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी कटिंग लगा दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा पानी डाल देना है। मैं इसे स्प्रे बोतल से पानी डाल रहा हूँ। इसे अच्छी तरह से पानी दे देना है, लेकिन ओवर वाटिंग नहीं करना है। ओवर वाटिंग कर देंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसके इसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी स्टोर रहता है। अगर आप ओवर वाटिंग कर देंगे तो ये गल जाएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।